Brought to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। फर्ज कीजिए आप कहीं घूमने गए हैं और सड़क किनारे लगी चाट पकौड़ी की रेड़ी पर आपकी नजर गई, मन मचल गया, एक दो प्लेट निपटा दी, घर आए नहीं कि लूज मोशन शुरू हो गए, पेट में दर्द, उल्टियां होने लगी, बुखार आ गया, फिर ऐसी भयंकर कमजोरी कि बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, ना कुछ खाने का मन कर रहा है ना पीने का। गर्मियों के मौसम में अगर आपका पेट गड़बड़ रहता है तो आज का एपिसोड खास आपके लिए ही है। डॉक्टर से जानते हैं इस मौसम में डायरिया, पेट खराब क्यों होता रहता है, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, वो कौन से घरेलू टिप्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए, सुनिए। जब गर्मियाँ होती हैं तो जो टेम्परेचर बढ़ता है, जो एयर ह्यूमिड हो जाती है, वो हमारे बैक्टीरिया या इन्फेक्शंस के ग्रो करने में बहुत मददगार होती है। उसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस लाइक विब्रियो कोलेरा वायरस, बैक्टीरिया लाइक टाइफाइड, डिसेंट्री, ये सब बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और हमारे फूड या वाटर को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिनके सेवन से हमें डायरिया हो सकता है। जनरली जब भी ऐसे इन्फेक्शन होते हैं तो हमें दस्त लग जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, उल्टियां हो जाती हैं, पेट में दर्द, बुखार, ये सब लक्षण हैं जो बड़े कॉमनली होते रहते हैं। अगर हमारा साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी अगर हमारा गला बार बार सूख रहा है, अगर हमारी उल्टियां अनकंट्रोल्ड है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, हमारा यूरिन आउटपुट कम हो गया है, बीपी कम हो गया है, हार्ट रेट बढ़ रही है, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, तब हमें इंजेक्टेबल की जरूरत पड़ सकती है। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो हमें अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है। ORS मींस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हमें इफेक्टिवली लेने होते हैं। इसमें हमें जो नमक, चीनी और पानी, इन तीनों का मिक्सचर बना के हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्हें काम में ले सकते हैं, जो हमारे हाइड्रेशन होने में मदद करते हैं। कई बार हमें प्रोबायोटिक्स लेने होते हैं लूज मोशंस के लिए। जनरली जो इन्फेक्शंस होते हैं ये वायरल होते हैं और अपने आप एक से दो दिन में सेटल हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने हाइड्रेशन पे विशेष ध्यान देना होता है। हमारे लिए जो बचाव इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस कई टाइम हम बचा सकते हैं। जनरली जो ये डायरिया के लिए इन्फेक्शंस होते हैं ये हमारे फॉल्टी प्रैक्टिस के कारण होते हैं, हमारी गलत हाइजीन के कारण होते हैं। अगर कोई पेशेंट जो कि इन्फेक्टेड है इन इन्फेक्शन से, और अगर वो कहीं पर कॉमनली फूड खाता है या कहीं पे टच करता है, तो उनसे भी किसी दूसरे को ये जा सकते हैं। जनरली हमें हाइजीन का मेंटेन रखना होता है। अगर हम फूड जो है उनको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके ही खाएं, जो अनलेफ्ट जो थोड़े फूड रह गए हैं उनको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, अच्छे से ओवर कुक करके खाना चाहिए। टैप वाटर यूज ना लें, हम जो रॉ फूड है या जो स्पॉइल्ड फूड है उनको काम में ना लें। जो बर्तन है जिनमें हम खाना पकाते हैं उनको अच्छे से डिसइंफेक्ट करें, उनको अच्छे से बॉइल वाटर में करें, जिससे कि उनमें कोई भी इन्फेक्शन ना रहे। जो रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल है उनको हम फ्रेशली खाएं, उनको अच्छे से धो के खाएं, अपने हाथों को अच्छे से धोएं, टॉयलेट से आने के बाद अच्छे से हाथों को साबुन से धोना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे जर्म्स, हमारे इन्फेक्शंस हमारे हाथों पे ना रहे और उसके थ्रू हमारे शरीर में एंटर ना करें। हमें जब भी अगर कभी इस तरह के एपिसोड्स होते हैं तो हमें बचाव के बाद अगर ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं तो हमें ट्रीटमेंट के फॉर्म में हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। हमें अपना हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन रखना होता है। 80-90% इन्फेक्शन अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करने के साथ ही अपने आप हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उन्हें सेटल कर देती है। लेकिन अगर हमें जो अलार्मिंग सिम्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन आ रहे हैं, तो फिर हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, इंजेक्टेबल्स लेना चाहिए, ताकि हम इस चीज का इलाज कर सकें। सो इन शॉर्ट, जब भी समर्स होते हैं इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, गट इन्फेक्शन बड़ी कॉमनली हो जाते हैं और जिसका फलस्वरूप हमें डायरिया, वॉमिटिंग्स काफी कॉमन होते हैं। अधिकतर हम बचाव से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं।
इस मौसम में साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बार बार पेट खराब होने को हल्के में मत लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए ताकि सही कारण पकड़ में आ सके और इलाज हो जाए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। हार्ट अटैक महसूस हो तो कौन सी दवाइयां खाने से जान बच सकती है, डॉक्टर ने बताया। भारत में पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक के मामले बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। आपने ऐसे कई वायरल वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें कोई शख्स हंस रहा है, डांस कर रहा है और तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वो गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। बाद में कई मामलों में ये भी पता चला कि मरने वाले व्यक्ति को पहले सीने में दर्द हुआ था, लेकिन उसने दर्द पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 32,457 लोगों की मौत सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ये साल 2021 के आंकड़े से 12.5% ज़्यादा था। हालातों को देखते हुए हार्ट अटैक से जुड़ी कुछ अहम जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जैसे हार्ट अटैक के आम लक्षण आपको मालूम होने चाहिए। हार्ट अटैक के दौरान अक्सर सीने में तेज़ दर्द होने लगता है या आपको सीने में भारीपन महसूस होगा। जबड़े, गर्दन और पीठ में दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आ सकते हैं, जी मचलाने लगता है या फिर उल्टी हो जाती है, बांह और कंधे में असुविधा महसूस होती है, उनमें दर्द हो सकता है, आपकी सांस भी फूलने लगती है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत सतर्क हो जाइए। लक्षण महसूस होने पर एक दवाई ऐसी है जो इंसान की जान बचा सकती है और वो है एस्पिरिन। हाल ही में हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स ने एस्पिरिन और हार्ट अटैक से जुड़ी एक स्टडी की है। इसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जर्नल में छापा गया है। अब स्टडी के मुताबिक अगर सीने में तेज दर्द होने पर खा ली जाए तो हर साल 13,000 से भी ज्यादा हार्ट अटैक के मामलों को टाला जा सकता है। इसके बारे में हमने डॉक्टर सुखबिंदर सिंह सिबिया से भी बात की। एस्पिरिन खाने का सबसे ज्यादा फायदा तब मिलेगा जब उसे हार्ट अटैक के लक्षण शुरू होने के 4 घंटे के अंदर खाया जाए। ये एक किफ़ायती और बहुत ही असरदार तरीका है जिससे हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है। हार्ट अटैक का सबसे आम लक्षण सीने में तेज़ दर्द का उठना होता है। कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता और इस वजह से वो हार्ट अटैक के लक्षण शुरू होने के कई घंटों बाद भी अपना इलाज नहीं करवाते हैं। एस्पिरिन के अलावा भी कई तरीके हैं जिनसे हार्ट अटैक का जोखिम कम किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर की सलाह पर स्टैटिन नाम की दवाई लेना और अपने खानपान में सुधार करना। लेकिन एस्पिरिन एक सस्ता विकल्प है और बहुत ही आसानी से भी उपलब्ध है। अब बात यह आती है कि एस्पिरिन ली कैसे जाए। हार्ट अटैक के लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलिए, लेकिन अगर पहले आप एस्पिरिन लेना चाहते हैं तो 325 मिलीग्राम वाली एक एस्पिरिन या फिर 81 मिलीग्राम वाली 4 एस्पिरिन लीजिए। इन्हें निगलने से पहले अच्छी तरह चबाइए। दरअसल चबाने से एस्पिरिन खून में जल्दी मिल जाती है और खून को पतला करते हुए खून का प्रवाह सुधारती है। वहीं डॉक्टर सुखबिंदर सिंह सिबिया कहते हैं कि एस्पिरिन के साथ 80 मिलीग्राम एटोरवास्टेनिन ले सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है तो 5 मिलीग्राम सॉर्बिट्रेट की एक टैबलेट अपनी जीभ के नीचे रखें। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो फिर सॉर्बिट्रेट ना लें। दवा खाने के बाद आराम से लेट जाएं और धीमी गहरी सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स करिए। सबसे ज़रूरी, अपने घर वालों या किसी करीबी दोस्त को तुरंत बताइए और हॉस्पिटल जाइए। हालांकि अगर आपको एस्पिरिन से एलर्जी है, पेट में अल्सर है, हाल ही में कोई स्ट्रोक आया है, हाई बीपी की दिक्कत है, आस्थमा है या फेफड़े से जुड़ी कोई दूसरी समस्या है, खून से जुड़ी कोई परेशानी है, लिवर या किडनी में कोई दिक्कत है, आप प्रेग्नेंट हैं या नवजात बच्चे को स्तनपान करवा रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा मत लीजिए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। चाय के साथ नाश्ते में क्या चीजें खाने से बचना चाहिए ये जान लीजिए। चाय हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बिना दिन अधूरा है। कई लोगों की तो सुबह ही चाय के साथ होती है, फिर दिन बढ़ने के साथ साथ चाय के कप भी बढ़ते जाते हैं। हम कभी चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, कभी रस्क, कभी टोस्ट, तो कभी कोई नमकीन। बरसात का मौसम हो तो चाय के साथ पकौड़ों का कॉम्बिनेशन वर्ल्ड फेमस है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें चाय के साथ खाना एकदम अवॉइड करना चाहिए, कि आपका पेट तो खराब करेंगी ही, सेहत भी बिगाड़ देंगी। अब कौन सी हैं वो चीज़ें जिन्हें चाय के साथ नहीं लेना चाहिए, ये हमें बताए डाइटिशियन श्रेया कोयल ने। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि चाय के साथ हाई फैट फूड लेने से बचना चाहिए। हाई फैट फूड यानी वो चीज़ें जिनमें वसा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कोई तली भुनी चीज़, क्रीमी सॉस, वो चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा मक्खन हो। चाय और इन हाई फैट खाने की चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपका पाचन तंत्र बिगाड़ सकता है, आपका पेट खराब कर सकता है। इसी तरह चाय के साथ बहुत मसालेदार चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, खासतौर पर जिनमें काली मिर्च पड़ी हो या बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया गया हो। चाय में एक चीज़ मौजूद होती है जिसका नाम है टैनिन। अगर आप चाय के साथ कुछ तीखा खाते हैं तो टैनिन के साथ मिलकर मसाला आपका पेट खराब कर देता है।
चाय के साथ खट्टे फल नहीं लेने चाहिए, जैसे संतरा और अंगूर। दूध वाली चाय है तो साथ में नींबू लेने से बचिए। इन फलों में एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और फलों में मौजूद ये एसिड चाय में पाए जाने वाले तत्व टैनिन के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिससे स्वाद में कड़वाहट आ सकती है, साथ ही आपके पेट का पीएच लेवल भी गड़बड़ा सकता है। ऐसे में चाय के साथ खट्टे फलों को मिलाने से आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे आपको एसिडिटी भी हो सकती है। डाइटिशियन श्रेया आगे कहती हैं कि चाय को कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए, इससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, फिर आपको कमजोरी महसूस होगी, थकान लगेगी, चक्कर भी आ सकते हैं। आज से हद इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।